आज की वीडियो है 5 रीजन टू बाय ऑल न्यू पल्सर 250। मतलब पल्सर 250 के पांच ऐसे कौन कौन से मेजर एडवांटेज हैं जिनकी वजह से आपको पल्सर 250 कंसीडर करना चाहिए। और गाइस आपको बता दूं, 250 के दोनों ही मॉडल्स N250 और F250 का मैंने कंप्लीट रिव्यू किया है, पूरा अच्छे से चलाया हुआ है, तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। हाँ गाइस, इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं किसी मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। 250 पल्सर में आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपको नेकेड में चाहिए तो आप N250 को रख लेना यहाँ पे, अगर आपको सेमी फेयर्ड वर्जन चाहिए तो आप F250 को रख लेना। बेसिकली दोनों ही बाइक सिमिलर हैं, बस फेयरिंग का ही डिफरेंस है। और आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने इनको अच्छा खासा चलाया हुआ है, हर एक कंडीशन में चलाया हुआ है, तो हाँ मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे ये वीडियो रहेगी, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे ना पल्सर 250 का जो पहला एडवांटेज मुझे लगा वो है कि इसकी डायनेमिक्स और हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और इम्प्रूव्ड है। जैसे आप अगर दूसरी कोई पल्सर चलाओ, आप पल्सर 220 चला लो, 180F चला लो, RS 200 चला लो, इन सभी को चलाने के बाद जब आप F250 या N250 को चलाओगे ना, जो नए 250 वाली बाइक्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क लगेगा। डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और पर्सनली मुझे N250 ज़्यादा अच्छी लगती है चलाने में। तो हाँ, हैंडलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, डायनेमिक्स वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही प्रॉपर है। पहले बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, आगे की तरफ ज़्यादा वेट हो गया है। अभी पल्सर 250 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायनेमिक्स एक नंबर है। आप जब कॉर्नर्स लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और कॉर्नरिंग के टाइम पे हैंडलिंग भी आपकी बहुत ही सॉलिड बनती है। ये एक अच्छा पॉइंट लगा जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। राइड और कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। सेकंड एडवांटेज है इनकी परफॉर्मेंस। अब जैसे आप इनकी प्राइस देखो तो इनकी प्राइस वही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पल्सर NS 200 या पल्सर 220F जो अभी तक आती थी उनके बराबर ही है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब 5-7 हज़ार रुपये। जैसे आप N250 की प्राइस देखो तो आपको 1.38 लाख की पड़ती है और F250 1.4 लाख की पड़ती है। तो उस हिसाब से ना इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगर आप देखो पावर इसमें आपको 24.5 PS की मैक्स पावर और 21.5 Nm का मैक्स टॉर्क मिलता है। तो चलो पावर तो हालांकि NS 200 या RS 200 के बराबर है, बट टॉर्क ज़्यादा है। इसकी पावर डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, मिड रेंज में हो या आप इनिशियल हो तो पावर डिलीवरी बहुत ही लीनियर मिलती है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा NS 200 से तो काफ़ी बेहतर पावर डिलीवरी आपको पल्सर 250 में देखने को मिलेगी। आपने अगर टेस्ट राइड नहीं ली तो आप बजाज को विजिट करके टेस्ट राइड लो, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। एक और एडवांटेज है, ये स्पेशली पल्सर लवर के लिए है जिनको पल्सर चाहिए होता है। जैसे कि अभी क्या है ना, 220F जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई है, तो पल्सर 250 में ना पल्सर वाले कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और उसको भी बरकरार रखा गया है। ऐसा नहीं कि भाई नई बाइक बना दी तो पल्सर वाले फैन को निगलेक्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे आपको पल्सर वाला DNA ही मिलता है। पीछे की टेल लाइट भी देखोगे तो आपको पल्सर इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट जो पूरा क्लस्टर है वो देखने में तो काफ़ी कमाल का है, बेजल बहुत कम दिए गए हैं, लेकिन ये पल्सर की ही याद आपको दिलाएगा क्योंकि एनालॉग प्लस डिजिटल पार्ट है। तो स्वाइप अप वाला जो पूरा मारता था ना RPM टैकोमीटर, वो अभी भी इसमें बरकरार है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है कि आपको पल्सर वाला कैरेक्टर नई वाली 250 में भी देखने को मिलेगा। 220 वाला जो कैरेक्टर था ना वैसा ही मिलेगा। इंजन भी 220 से ही इंस्पायर्ड है, जैसे कि 2-valve वाला इंजन है, ऑयल कूलिंग दी गई है, इसमें आपको लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती थी, इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी प्राइसिंग भी बजट में आ गया। तो हाँ, ये एक चीज़ है कि इसमें आपको जो पल्सर की रॉनेस है पावर में वो आपको मिलेगी और एक पल्सर वाले कैरेक्टर का भी ध्यान रखा गया है। तो जो पल्सर के फैन है बेसिकली वो इस बाइक से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगी। हाँ, लुक्स है, सब्जेक्टिव पार्ट है लुक्स थोड़ा सा, तो लुक्स में आपके पास ऑप्शन भी दो हो गए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पिक भी कर पाओगे। साथ इसका एक और एडवांटेज आप काउंट कर लो, फोर्थ नंबर, वो है लुक्स का। अब लुक्स का मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो N250 है वो एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर में बेस्ट लुकिंग है। अगर आप देखो तो पूरा LED का सेटअप है, इंडिकेटर भी LED में दिए गए हैं, फ्रंट की जो प्रोजेक्टर है वो भी LED में है और लुक बहुत ही कमाल का है। जो डायनेमिक्स हैं बाइक्स के वो मैंने पहले ही बता ही दिए। सेम अगर आपको फेयरिंग चाहिए तो आप F250 को देख लो, वो भी बहुत ही कमाल की लगती है और लुक्स भी काफ़ी अपीलिंग है। रोड में जब आप इसको लेके जाओगे तो लोग नोटिस करेंगे। आई कैची भी है तो ये भी एक एडवांटेज आप काउंट कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसको जैसे दूसरी पल्सर से कंपेयर करो, NS 200 से कंपेयर करो या RS 200 से कंपेयर करो, तो वो अभी उतनी अपीलिंग नहीं लगती हैं। इनकी जगह पर अगर आप 250 कंसिडर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लुक देगी और ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। फिट एंड फिनिश भी काफ़ी इम्प्रूवड है,
काफ़ी अच्छी है, बेहतर है, पैनल गैप्स वगैरह नहीं मिलते आपको, और जो स्विच की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। पीछे आपको 130 सेक्शन के टायर मिलते हैं, तो हर जगह से जब आप देखते हो ना बाइक को चारों तरफ से, तो हाँ लुक बहुत अच्छा उभर के आता है। इसका फिफ्थ एडवांटेज है इसका एग्जॉस्ट का साउंड। अब देखो, अगर आपको याद हो तो पल्सर 220F का साउंड बहुत ही यूनिक था, और जैसे आप इसका RPM बढ़ाते थे ना, मिड रेंज में जो इसका साउंड निकलता था बहुत ही ज़बरदस्त निकलता था। तो सेम जो पल्सर 250 है, इसमें भी साउंड का ध्यान रखा गया है, एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही बेहतर है। जैसे आप मिड रेंज में रहते हो ना, 4-5 हज़ार RPM के आसपास रहता है, उस टाइम बहुत ही सॉलिड और बहुत ही बेस और थम के साथ साउंड मिलता है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया इसका। ये देख सकते हो, एग्जॉस्ट के साउंड में भी इसमें यूनिकनेस देखने को मिलेगी। अगर आप रोड पे लेके चलोगे तो एक बार बंदा पलट के देखेगा इसके साउंड। ये भी एक प्रोज है इसकी तरफ से, आप एक बार साउंड सुनना जरूर इसका, टेस्ट राइड लेते टाइम ध्यान से, तो आपको आइडिया लगेगा। तो ये इसके 5 प्रोज हो गए। एक और प्रोज यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये अफोर्डेबल भी है, अगर आप दूसरी 250 से कंपेयर करो पावर के हिसाब से। देखो जैसे आप इसको जिक्सर से कंपेयर करो, है ना, तो उनके कंपेरिजन में, या डोमिनार से कंपेयर करो तो उनके कंपेरिजन में थोड़ी सी प्राइसिंग कम है, अफोर्डेबल है। जैसे N250 1.38 लाख एक्स शोरूम से आती है, और F250 1.4 लाख एक्स शोरूम पे आती है, तो उस हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल है। लगभग आप देखो तो NS200 की ही रेंज की है, इनफैक्ट RS200 से भी सस्ती है, जबकि ये 250 cc की बाइक है। गाइस आप बताओ आपको पल्सर 250 में कौन सा मॉडल ज़्यादा पसंद आता है, F250 या N250? अगर आपको कंप्लीट रिव्यू देखना है, ऑलरेडी है चैनल पे, विजिट करके देख सकते हो, राइड का पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया है मैंने। हाँ तो यही है इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।